मैं सुजाता और मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाल ही में रिलीज हुई बुलबुल मूवी की एक्सप्लेनेशन और लास्ट में रिव्यू। सो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करें। बुलबुल मूवी का डायरेक्टर अन्विता दत्त गुप्तन है और प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा है। IMDb रेटिंग्स पे 6.5 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज पे 83% बुलबुल मूवी को मिला है। इसमें 5 कैरेक्टर मुख्य है जो कि तृप्ति डिमरी बुलबुल के रोल में है, राहुल बोस इंद्रनील के रोल में है, उसका ट्विंस भी है जो कि है महेंद्र, और अविनाश तिवारी जो कि है सत्या, परमरता चटर्जी डॉक्टर सुदीप के रोल पे और बिनोदिनी पोली दाम के रोल पे। कहानी की शुरुआत 1881 में होती है जहाँ पे बड़े ठाकुर जिनका नाम इंद्रनील है वो बहू ढूंढ के लाते हैं जिसका नाम है बुलबुल। 5 साल की बच्ची जिसको शादी का मतलब भी पता नहीं, जिसको खेलने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और डरावनी कहानी सुनना बहुत पसंद है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सत्या जो कि ठाकुर इंद्रनील का छोटा भाई है वो बुलबुल को उल्टी पैरों वाली चुड़ैल की कहानी सुना रहा है जो कि सच में है तो नहीं, सिर्फ कहानी है। सत्या और बुलबुल एक ही उम्र के होने के कारण दोनों एक साथ खेलते थे, एक दूसरे को कहानी भी सुनाते थे और बुलबुल सत्या को ही अपना पति समझती थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 20 साल बाद गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ अजीबोगरीब किस्से जिनमें इंसान या जानवर का नहीं शैतान का चेहरा नजर आने लगता है। गांव में सभी सोचने लगते हैं कि चुड़ैल का आतंक है। सभी से आज़ादी देने के जिम्मा सत्या लेता है जब वो लंदन से वापस पढ़ाई करके घर लौटता है। घर लौटने के बाद सत्या बुलबुल का एक अलग ही चेहरा महसूस करने लगता है। जिस बुलबुल को सत्या छोड़ के गई थी वो बुलबुल अब ये नहीं है, बुलबुल चेंज हो गई है। इस बीच और एक घटना घटती है जो कि है महेंद्र की मौत। बिनोदिनी सोचती है कि ये मौत का कारण चुड़ैल ही है। इस बीच दिखाया जाता है कि डॉक्टर सुदीप जो कि बुलबुल का एक स्पेशल टाइप का जूता पहना रहा है। डॉक्टर सुदीप बुलबुल का डॉक्टर है। अभी वो क्यों डॉक्टर है, बुलबुल को क्या हुआ, ये हमें बाद में पता चलेगा। जो सत्या ने देख लिया, उन दोनों को बात करते देख सत्या को अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से शिकार के लिए चला गया। धीरे धीरे मौतों का सिलसिला बढ़ रहा था और सत्या को डॉक्टर सुदीप पे शक होने लगा था। इसी बीच गांव में और एक खून हो गया जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पर सबूत के बिना वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस बार जो खून हुआ था उसका एक विटनेस है जो कि एक छोटी सी बच्ची थी। उसका कहना था माँ काली ने आदमी को मारा है, पर ऑब्वियसली कोई भी उसकी बात क्यों बिलीव करेगा। पर सत्या को जब इस बार पता चला तो उसे ये भी जानने को मिला इस खून के समय डॉक्टर सुदीप वहाँ पर था। इस बात को कहने के लिए सत्या बुलबुल के पास गया। तब बुलबुल ने उसको कहा कि तुम सब एक जैसे हो, जेलस। बुलबुल का मानना था कि ये सारा खून उस चुड़ैल ही कर रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सत्या बंदूक लेके डॉक्टर सुदीप के घर पहुंचा और वहां पे सत्या देखता है कि डॉक्टर सुदीप घर छोड़ के जा रहा है। ये देखकर सत्या डॉक्टर सुदीप को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि अभी तो सत्या को पूरा यकीन हो चुका है कि डॉक्टर सुदीप ही असली कातिल है। गाड़ी में भी वो सुदीप को पूछता है कि ये सारा खून तुमने किया है, लेकिन सुदीप साफ साफ मना कर देता है। ये लोग जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे, अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है। सत्या गाड़ी वाला को आवाज़ देता है लेकिन गाड़ी वाला कोई जवाब नहीं देता। सत्या को गाड़ी से बाहर निकल के गाड़ी वाला का लाश दिखाई पड़ता है। इस बार सुदीप उसके साथ था,
तो कंफर्म हो गया कि ये सारा खून सुदीप ने नहीं किया। फिर भी सत्या ने सुदीप को बोला कि तुम अगर बचना चाहते हो तो उस चुड़ैल को यहाँ पे लेके आओ। तभी सुदीप को दूर से एक साया दिखाई देता है और सत्या उस साये को शूट करता है। गोली लगी या नहीं इस बात का पता नहीं चलता, पर वो साया गायब हो जाता है। सत्या उस साये को चेस करने लगता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। सत्या के जाने के बाद सुदीप के सामने वो साया प्रकट हो जाती है, जो कि और कोई नहीं बुलबुल है, और उसके पूरे शरीर पे घाव है और गोली भी लगी हुई है। मगर बुलबुल क्या सच में चुड़ैल है? उसके शरीर पे क्यों घाव है? ये हमें 5 साल पीछे जाना होगा। सत्या के जाने के बाद बुलबुल सत्या की याद में पागल हो गई थी। दिन रात सत्या सत्या करके सत्या के बारे में ही सोच रही थी। एक दिन इंद्रनील ने देखा कि एक डायरी में सत्या और बुलबुल के नेम साथ ही लिखे हुए हैं। दोनों का नाम एक साथ देख के इंद्रनील को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा चढ़ा और उसने एक लोहे की छड़ी लेके बुलबुल को इतना मारा कि वो अधमरी हो गई थी। एक रात जब बुलबुल दर्द से तड़प रही थी, तभी उसके रूम में आता है महेंद्र, जो कि इंद्रनील का छोटा भाई है। वो था तो पागल, पर उस दिन बुलबुल को उस हालत में देखकर उसके अंदर का हैवानिया जाग उठा और उसने बुलबुल के साथ बहुत ही गलत चीज़ किया। बुलबुल ये सब सहन नहीं कर पाई और उसी रात उसने दम तोड़ दी। मतलब बुलबुल की मौत हो गई थी 5 साल पहले ही। माँ काली के कृपा से उसको नया जीवन मिला और तब से बुलबुल अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। उसने किसी निर्दोष को नहीं मारा। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सत्या चुड़ैल को मारने के लिए पूरी जंगल को जला देता है। ये एक्चुअली हाथापाई में होता है जब सत्या और डॉक्टर सुदीप लड़ाई कर रहे हैं। सत्या के हाथ से मशाल गिर जाती है और पूरे जंगल को आग लग जाती है। सुदीप सत्या को रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर सत्या को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सुदीप उसको रोक तो रहा है पर क्यों। पर फाइनली उसे पता चल जाता है कि जो चुड़ैल के बारे में बात हो रही है वो और कोई नहीं बुलबुल है, उसकी भाभी बुलबुल। तब बहुत देर हो चुकी थी। हम देख पाते हैं बुलबुल को जंगल में आत्मसमाधि लेते हुए। नेक्स्ट सीन 1 साल बाद की है। हम देखते हैं कि वो हवेली एक खंडर बन चुकी है। विनोदिनी आश्रम में रहती है और सत्या लंदन चला गया। तभी दिखाई देता है कि इंद्रनील लौट चुके हैं उस हवेली में रहने के लिए, पर उसको रात के अंधेरे में बुलबुल की आवाज़ और बुलबुल दिखाई देता है और यहाँ पे हो जाती है मूवी का दी। कैसी लगी आपको बुलबुल मूवी की एक्सप्लेनेशन? पर्सनल देखा जाए तो मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें बंगाली कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं बंगाली हूँ तो मुझे अच्छी लगेगी ही, और इसमें हॉरर और स्टोरी दोनों का ही मिक्सअप है। तो आप ये मूवी देख सकते हैं क्योंकि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, आप नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। अगर नेटफ्लिक्स नहीं है आपके पास तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, एंड अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको अच्छे अच्छे और भी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आपको किसी भी मूवी को सजेस्ट करना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे जाइए और मूवी सजेस्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।